पाकिस्तान सरकार की शह पर भारत को धमकी देने वाले आतंकवादी सरगना सैयद सलाहुद्दीन की। हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन शरीफ सरकार की नाक के ठीक नीचे भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। क्या आतंकी संगठनों और शरीफ सरकार में कोई मिलीभगत है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जवहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। जरा गौर से सुनिए इस मोस्ट वांटेड आतंकी की जहरीली जुबान। ये है हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ सैयद सलाहुद्दीन, महीना भर पहले कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी का आका, लश्कर के आका हाफिज सईद और जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की तरह सलाहुद्दीन भी पाकिस्तान के गोद में बैठकर हिंदुस्तान को धमका रहा है। धमकी भी छोटी मोटी नहीं, एटमी हमले की। पाकिस्तान इज ड्यूटी बाउंड, मॉरली बाउंड टू प्रोवाइड कंक्रीट सबसिस्टेंस सपोर्ट ऑन गोइंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑन द टेरिटरी ऑफ कश्मीर। और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जवहरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। आतंकी सलाहुद्दीन कराची में खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इससे साफ है कि इस आतंकी को पाकिस्तान सरकार का समर्थन हासिल है। आतंकी आका शरीफ सरकार के दम पर ही भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। मसले कश्मीरी की वजह से आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कम वट में सलाहुद्दीन की इस धमकी ने एक बार फिर पाकिस्तान में एटमी हथियारों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। पहले भी आशंका जताई जाती रही है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार सुरक्षित नहीं है और कभी भी आतंकियों के कब्जे में जा सकते हैं। समय आ गया है कि प्रतिबंध लगे। अगर यूनाइटेड नेशन से नहीं लग पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को तुरंत उनके ऊपर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं लगे तो पूरे क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। ये बहुत खतरनाक ग्रुप है। भारत ने आतंकी सलाहुद्दीन की धमकी को अनदेखा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के मुताबिक आतंकी पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी फालतू बातें करते रहते हैं। ये ऐसा बेकार बात करते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। ये कौन है और ये कश्मीर के बारे में बोलने के लिए इनको किसने अधिकार दिया है? ये लोग तो पब्लिसिटी के लिए ये सब बोलते हैं, तो जो पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं उसको सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया नहीं करने से ज्यादा अच्छा है, नहीं तो खामखा वो यही चाहते हैं। सार्क सम्मेलन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण के बाद पाकिस्तान सरकार और आतंकी संगठनों की बौखलाहट और बढ़ गई है। सैयद सलाहुद्दीन की धमकी उसी बौखलाहट का नतीजा है। और अभी ये खबर भी आ रही है कि जम्मू के मचिल सेक्टर में पाकिस्तान से हुई फायरिंग में जहां बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं ये खबर भी आ रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ही ली है। साथ ही खुफिया एजेंसियां ये चेतावनी दे रही हैं कि सरहद पार बैठे लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे और कुछ और आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की ताक में है। जम्मू के माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। गश्त पर निकले बीएसएफ जवानों पर छिपकर गोलियां बरसाई गई। इस हादसे में बीएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जख्मी हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने आतंकियों की घुसपैठ कराने के इरादे से फायरिंग की है। बीएसएफ और सेना की जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकी भारत में घुसपैठ की ताक में है। इस घुसपैठ का जिम्मा लश्कर चीफ हाफिज सईद के बेटे तल्ला सईद और अब्दुल रऊफ को दी गई है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम भी इस साजिश में शामिल है।
सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में 8 जगह से आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश है। लश्कर के 8 आतंकी तंगधार सेक्टर की ओर से और 15 आतंकियों का ग्रुप गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की ताक में है। जैश के 6 आतंकी बिमला पोस्ट के पास घुसपैठ की कोशिश में है। वहीं हिजबुल मुजाहिदीन के 8 आतंकी उरी सेक्टर में और 4 आतंकी पाकिस्तान के बरवल इलाके में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन आतंकियों को आर्मी कैंप, स्पेशल फोर्स और वीवीआईपी लोगों को निशाना बनाने का हुक्म मिला है। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों के कुछ कॉल भी रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें वो हमले की साजिश रचते सुने गए। हेलो जनाब, अगर आपका भाईजान से मिलाप होता है तो उनके लिए एक पैगाम था। मैंने बहुत कोशिश की मगर मिलाप नहीं हो पाया। आप हमारा पैगाम नोट कर लें। हम बड़ा हमला करने वाले हैं। हमारी जो पहले बातचीत हुई थी उस मामले में भी अभी हिसाब किताब करना है। तल्हा को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इस बीच हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का नया वीडियो सामने आया है। जुलाई में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद यह हिजबुल का पहला वीडियो है। इस वीडियो में नजर आ रहे 11 आतंकी कश्मीरी बताए जा रहे हैं। सेना की वर्दी पहने इन आतंकियों के हाथ में हथियारों के साथ साथ मोबाइल फोन भी है। कश्मीर घाटी पिछले एक महीने से हिंसा की आग में जल रही है और सीमा पार बैठे आतंक के आका लगातार इस आग को भड़काने में जुटे हैं। इंडिया 9 बजे में अब बात आसमानी आफत की। भीलवाड़ा के 50 स्कूली बच्चे निकले थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन अचानक बीच मझधार में फंस गए। फिर क्या हुआ आपको अभी बताते हैं। साथ ही बात करेंगे देश के अलग अलग हिस्सों के उन बच्चों की जिन्हें स्कूल जाने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ये तस्वीरें उन लोगों को देखना बहुत जरूरी है जो पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन इन बच्चों की मुश्किलों पर उनका ध्यान गया नहीं है। सबको अपनी आगोश में लेने के लिए उफनती पलकी नदी और नदी में फंसी एक स्कूल बस। राजस्थान के भीलवाड़ा की ये तस्वीरें जिसने भी देखी सबके जहन में सबसे पहले यही सवाल था कि क्या हुआ इस बस का, क्या हुआ बस में सवार उन बच्चों का। सोमवार सुबह 50 बच्चों से भरी ये बस पलकी नदी पर बने पुल को पार कर रही थी। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बावजूद बस का ड्राइवर बस को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि लोगों की सलाह भी ड्राइवर ने नहीं मानी। बस जैसे ही पुल के बीचों बीच पहुंची, तेज बहाव में उसका संतुलन गड़बड़ा गया और बस नदी में जा गिरी। बस के नदी में गिरता देख हड़कंप मच गया। गनीमत ये थी कि बस का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर था। पानी में फंसी बस में मौजूद छोटे बच्चों पर क्या बीत रही होगी ये समझना मुश्किल नहीं, लेकिन वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बस की खिड़की के शीशों को तोड़ा, फिर एक एक कर बच्चों को सही सलामत बस से बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि किसी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। अगली तस्वीर राजस्थान के ही बूंदी जिले की है। बूंदी में उफनती नदी को जुगाड़ की नाव से पार कर स्कूल जाते ये बच्चे भविष्य की खूबसूरत उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये तस्वीर हमारे सिस्टम पर सवाल भी उठाती है। पढ़ने और कुछ बनने का सपना संजोए ये बच्चे हर दिन जान जोखिम में डाल पढ़ाई करने जाते हैं। ये तस्वीर आम शहरियों को भले ही विचलित करे, लेकिन इन गाँव के बच्चों के लिए तो ये रोजाना की बात हो गई है। शिक्षा के लॉस से अपनी जिंदगी रोशन करने की जिद में ये बच्चे रोज ऐसी ही जंग लड़ते हैं। देखिए कैसे पहले बच्चे नदी के पास मौजूद कीचड़ को पार करते हैं, एक हाथ में चप्पल, दूसरे हाथ में खाने का डिब्बा और कंधे पर बस्ता। बच्चे पहले एक दीवार पर चढ़कर नाव में सवार होते हैं। दीवार भी ऐसी, अगर जरा भी चूक हुई तो सीधे उफनती नदी में गिरना तय है। सरकारें आई गई, घोषणाएं भी हुई, लेकिन इस गाँव के हालात नहीं बदले। गाँव के बीच में मांगली नदी पड़ती है जहाँ 12 महीने पानी भरा रहता है। जान जोखिम में डालकर इलाके के बेटे और बेटियां स्कूल जाते हैं। बच्चों की चिंता में घर वालों की सांसें अटकी रहती हैं। बूंदी ही नहीं, देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ बच्चे जान जोखिम में डालकर अपनी जिंदगी का उजाला ढूंढते हैं। अलीगढ़ के नगला बिरखू गाँव में स्कूल जाने के लिए बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घुटनों तक भरे पानी वाले रास्तों पे चलकर बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। गाँव में पहुँचने वाले रास्ते पर नहर का पानी कई दिनों से भरा हुआ है। नहर में जिंदगी को साफ करने और रास्ते से पानी को हटाने के लिए गांव के लोगों ने स्थानीय सांसद, विधायक और अधिकारियों के कई चक्कर काटे, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला।
अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से परेशान देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। हर साल की तरह इस बार भी बारिश लोगों की जिंदगी में कहर बनकर आई है। शुरुआत जम्मू कश्मीर में करें तो वहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, यहां भारी बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 9 और 10 अगस्त के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आसमान से लगातार बरस रही बूंदें कठुआ, राजौरी और पुंछ जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं। चिनाब, तवी, उच जैसी नदियां खतरे के निशान के पार बह रही हैं। लोगों की खेती पानी में डूब गई है, सड़कें दरिया बन चुकी हैं और लोगों को सैलाब का शोर हर पल खौफ ज्यादा करता है। कठुआ में बादल फटने से एक घर मलबे में तब्दील हो गया। आसपास के लोग जितने हैं वो दरिया के किनारे से लेकर नारियों से लेकर के दाल तक जो है पूरा एरिया जो है खाली हो चुका है। सारा भागने की कोशिश कर रहे हैं, सब जो के सामान लेकर बाहर रखे हुए हैं, नीचे तरपालों के नीचे रखा हुआ सामान। प्रशासन हर बार जहाँ पे करता है ये बना, कितनी बार ये बन चुका, लेकिन वो कैसा बनता है कि हर बार एक छोटे से उसमें से हर बार बह जाता है। जहाँ उधमपुर की ये तस्वीर आसमानी आफत से ज्यादा प्रशासन की नाकामी बता रही है। आसमान से कुछ बूंदे क्या बरसी, घरों में 2 से 3 फीट पानी भर गया, सारा सामान पानी में डूब गया है। लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि खाने पीने की चीजें बचा पाते। अभी तक हमारे को कोई पानी रोटी कुछ तक नहीं है हमारे लिए। हर साल में पानी आता है, हमारे सर आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सलूशन तो कोई सी नहीं निकाला नहीं अभी तक। 10 साल हो गए मेरी शादी को, 10 साल से मैं ऐसे ही देख रही हूँ। भारी बारिश से रविवार शाम से बंद जम्मू श्रीनगर हाईवे एक तरफ से खोल दिया गया है। रास्ते को साफ करने का काम जारी है, लेकिन इतने समय से बंद रहने से रास्ते पर भारी जाम लगा है।